Yo, what's up guys? Your favorite quadrillionaire is here. आप सभी लोगों ने मेरी कार कलेक्शन की वीडियो देखी ही होगी और जब मैं उसकी कमेंट्स पढ़ रहा था तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि न्यूक्लियर भाई अपनी गाड़ी का स्पीड टेस्ट करो ना। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए क्योंकि इस वाली वीडियो में हम लोग वही चीज करने वाले है। और गाइस हम लोग यहाँ पर आराम से ऊपर VIP एरिया से स्पेक्टेट करने वाले है सबको। आज का मौसम कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि लॉस सैंटोस को बादल ने छप्पी दे दी। ओए ये चंदी वॉइस कहाँ से आ गया? बेटे यहाँ पर मौत चल रही है और क्या बोलते हैं जो शुअर है ना, शुअर में जो नाला है ना, नाले में बैठ बैठ के मैं बोर हो गया था तो सोचा कि यही पर आके थोड़ा मस्ती कर लूं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सिर्फ स्पेक्टेट करूंगा और कुछ नहीं करने वाला। हाँ ये बेचारे पेनीवाइज बोर हो रहे होंगे वहाँ बैठ बैठ के इतने सालों से। ठीक है पेनी भाई, आप स्पेक्टेट कर सकते हो लेकिन अगर कोई भी नॉटी चीज करी ना तो यही से धकेल दूंगा। तुम मेरे को क्या धकेलोगे, खुद तो देखो कहाँ बैठे हो, एक लात मारूंगा सीधा नीचे गिर जाओगे। प्लीज मारो ना। अबे शांत रहो और चुपचाप चैलेंज स्टार्ट करो। ओके 3 2 1 लेट्स गो। क्या बात है, आज का मौसम कितना बढ़िया लग रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। काले तेंदुए ध्यान से गिर ना जाए। ओके तो गाइस हमारे काले तेंदुए यूज करने वाले हैं लंबोर्गिनी सियान जिसको इसने मॉडिफाई कर दिया। हाँ वो पहले वाला पेंट इस पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि अपना खुद का पेंट करवा दूँ। ठीक है अब तुम राजा हो तो मैं कर भी कह सकता हूँ। क्या हुआ न्यूक्लियर फट गई? ना ना ऐसे छोटे मोटे तेंदुए से मैं थोड़ी डरता हूँ। और गाइस इसे स्टार्ट कर दिया है, क्या बात है। और हाँ मेरे को आप लोगों से एक और चीज बतानी है, आप लोग को तो पता ही होगा कि GT5 में जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 560 किलोमीटर पर आवर समथिंग कुछ है। तो मैंने अपने मैकेनिक से बोल के सारी गाड़ी को मॉडिफाई करा दिया है और अब ये आराम से स्पीड लिमिट तोड़ सकती है। क्या बात है, ये तो चिड़िया बन गई। चिड़िया तो बनेगी, इतनी तेज है और मैं इनकी स्पीड देखना भूल गया, मैक्सिमम स्पीड कितनी गई थी 565 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया जॉब, मेरे को पता था एक इंटरेस्ट ऑन यू, ये दोनों तो बिल्कुल बेकार है। बेटे बॉब तुम्हारी बेइज्जती हो गई। हंस क्या रहा है, हम दोनों से इसका मतलब तू और मैं। अरे ये क्या हो गया? और नो लगता है कि इस गाड़ी को रिपेयर कराना पड़ेगा। ब्लैक पैंथर अब चिंता मत करो, हमारे पास ऑलरेडी मैकेनिक्स है, वो इसको बिल्कुल चकाचक कर देंगे। क्या बात है बहुत बढ़िया, मैंने कभी सोच नहीं था कि मैं इतनी महंगी गाड़ी चलाऊंगा। बस 10,000 करोड़ समोसे बेच लियो फिर तू भी एक दिन ले पाएगा ये। ए गैस वाले तू चुप बैठ। क्या बात है कैप्टन अमेरिका, आपको मिली है पगानी और क्या ही पेंट जॉब करा रखा है इस पे मैंने। अपना मैकेनिक तो ज्यादा अच्छा हो गया है। हाँ बहुत बढ़िया गाड़ी है, अरे ये देखो। आप जल्दी स्टार्ट करना। ओ नो मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम स्पीड टेस्ट करने वाले और ये गाड़ी चलाने ही भूल गया। वाह वैसे पगानी वायरा काफी रेयर गाड़ी है, काफी कम बनती है और ये लंबोर्गिनी सियान से तेज ये तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर रेंज करने वाली है। इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 953 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही तेज है। बूस्ट ये तो अपनी बिल्डिंग के पास चले जाएगा देख के लग रहा तो है, बट लेट्स सी कि ये क्रॉस कर पाता है कि नहीं। ऑलमोस्ट चले गया, चले गया के? हाँ ये क्रॉस कर गए। कोई मेरे को बचाओ। मेरे को पता नहीं था यार कि अपनी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर टच कर सकती है। ये तो ऑलमोस्ट जेट से भी ज्यादा तेज हो गई। इस गाड़ी का डिजाइन तो काफी अनोखा लग रहा है क्योंकि ये बुगाटी डीवो है। इसके एग्जॉस्ट तो देखो कितने खतरनाक है और डिजाइन तो यार एक नंबर, लिटरली हवा को चीरते हुए निकलती है ये। हमको ऐसी लेजेंडरी गाड़ी चलाने का मौका देने के लिए शुक्रिया न्यूक्लियर। पगले इमोशनल क्यों हो रहा है, सबको मौका मिल रहा है तू अकेला थोड़ी है। ओके तो गाइस लेट्स सी कि अपनी बुगाटी डीवो 1000 किलोमीटर पर आवर टच कर पाती है कि नहीं। अगर आप लोग को लगता है कि ये कर पाएगा तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। इस गाड़ी को जितनी भी बार देखो एकदम वाव वाली फीलिंग आती है, क्या डिजाइन है। और मैं फिर से स्पीड देखना भूल गया लेकिन कितनी, क्योंकि ये क्या मिसाइल की तरह जा रही है ये। 945 किलोमीटर पर आवर। क्या बात कर रहे हैं, अपने पगानी से कम स्पीड है इसकी, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। और गाइस अपने थॉर अपने बिल्डिंग के काफी पास आ गए हैं, बूस्ट मार दिया। अगर हल्का सा साइड जाते रहो तो सीधा स्विमिंग पूल क्या, स्विमिंग पूल के आगे चले गए। क्या है ये, पगानी से हल्की सी स्पीड कम हो सकती है लेकिन क्या ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, बाप रे। डी वो इतनी दूर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो तो कुछ भी नहीं है, अभी देखो क्या होता है। ये मैजिक अलाउड नहीं है। हाँ, मालूम है। कौन सी गाड़ी मिली है मेरे को? अबे ये के इसको भी पगानी कैसे मिल गई? डॉक्टर कुछ मिस्टेक हो गई, थोड़ी देर रुको। नहीं मैं बस स्टार्ट कर लूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता। इस खदे का कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तेरे को कैसे समझाऊ, इसका ऑलरेडी स्पीड टेस्ट हो गया। अरे हम इसको मैप के बाहर ले जाएंगे। ठीक है जो करना जल्दी कर। ओके। क्या दरवाजे है इसके, अनदर वन।
ये तो बिल्कुल पागल है। ये पागल नहीं है, पागल के नेक्स्ट लेवल चले गए, विकसित हो गया ये। चलो देखते हैं क्या करने वाले हैं। भाई ये क्या, ये तो स्टार्टिंग में ठुक गए, मैप के बाहर जाने वाले थे ना। लगता है मेरी स्पीड को रैम संभाल नहीं पाया। स्पीड को रैम नहीं संभाल पाया, नहीं लगता है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। इसने तो गाड़ी के पूरे कपड़े ही उतार दिए। तेरे कपड़े उतार दूंगा, शांत रह, स्पेक्टेट करने के लिए आया था ना, ज्यादा बकवास मत कर। अरे यार फिर से बुरा लग रहा है। ए तो रुकना गाड़ी, क्या हो रहा है तेरे को? सही में क्या स्कैम हुआ डॉक्टर तेरे साथ? मैप के बाहर गाड़ी को उछालने वाला था ना तू? लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। कोई नहीं डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी कोशिश कर ली। क्या बात है स्पाइडरमैन, तुम तो बहुत लकी हो, तुमको न्यूक्लियर की फेवरेट गाड़ी मिल गई। अरे वाह क्या बात है, लगता है कि मेरी किस्मत इतनी बुरी भी नहीं है। मकड़ी हो के बंदरों की तरह क्यों उछल रहे तू? गाड़ी देख के खुश हो गया लड़का, खुश होने देना उसको। ठीक है इतना खुश हो गया, और कितना खुश होगा स्टार्ट करना। ये गाली तो सही में बहुत पलिया लग ली है, देखो तो सही गाइस, सबसे ज्यादा स्पीड इसी गाली की होने वाली है। लेट्स गो। चलो फाइनली इसने स्टार्ट कर दिया, मेरे को तो लगा था कि ऊपर उछलते रहेगा पागलों की तरह। ये न्यूक्लियर, इसकी स्पीड देख। क्या बात कर रहा, 1000 किलोमीटर पार कर गई गाइस, ये तो मिरेकल हो गया। ये गाली तो कुछ ज्यादा तेज है, बिल्कुल कोई बचाओ। ये गाड़ी इतनी ज्यादा तेज थी कि रैम से ही उछल गई। 1, 2, 3, 5 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा बटन है, टर्बो लग गया। सीधा जाना था, टेढ़ा क्यों जा रहा है? वो सब छोड़ो, बिल्कुल कोई नीचे उतारो। नीचे ही जा रहा है, बस 5-6 सेकंड में पहुंच जाएगा। अबे ये क्या, गाड़ी में से धुआं भी निकल रहा है, कुछ ज्यादा ही स्पीड हो गई थी सही में इसकी। धरती पे आके कितना अच्छा लग रहा है, मेल को चक्कर ला ले। बहुत घूमा आज मैं, गोल 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 गोल। ये गाड़ी तो बड़ी कमाल की लग रही है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, तेरे जैसे ढक्कन को बुगाटी मिल गई। इसके डिजाइन कितने अच्छे लग रहे हैं, जिग-जैग जिग-जैग। क्योंकि विजन ये कस्टम पेंट है। ऐसा है क्या, मानना पड़ेगा काफी बढ़िया लग रही है, एक बार अंदर से भी देख लेते हैं। ये तो अंदर से भी बड़ी कमाल की है, और इसका स्मोक भी देखो कितना काला है। अब विजन क्वाड्रिलियन होने के थोड़े पक्ष तो है। हाँ, वो तो दिख रहा है। ऑलराइट तो गाइस बुगाटी का स्पॉइलर उठ गया है, देखते हैं कि 1000 किलोमीटर पार कर पाती है कि नहीं। बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। इसकी स्पीड थी 975 किलोमीटर पर आवर। गल गल घूम रहा हूँ मैं हवा में, अब लग रहा है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ। अफ मेरे को लगा कि 1000 किलोमीटर पर आवर पार कर लूंगा। ओए चीर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। तू कहाँ से आ गया बे? वो मैं दूध लेने जा रहा था और मैंने ये चीज देख ली तो आ गया। वुल्वरीन आप ये रैम कैसे चढ़े? ओए मेरे पंजे बड़े कमाल के है, कुछ भी चढ़ लेता हूँ। ये भी सही है, चलो स्टार्ट करो। ओके क्या बात है, मेरे को तो मेरी जैसे कमाल की गाड़ी मिली है, बिल्कुल सूट करी है, ब्लैक ब्लैक, इस पे तो ड्रैगन भी बना हुआ है। देखो वो मैंने पहले ही बोला था, ड्रैगन लग रहा है, देख वुल्वरीन भी बोल रहा है। मेरे को तो वो चूहा लग रहा है। छोड़ भाई तू घोचू ही रहेगा। वैसे इस गाड़ी को चलाते कैसे है? तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता? नहीं आता। बढ़िया चला रहा है, जैसे जा रहा है वैसे ही जा, बिल्कुल सीधा। 1140 किलोमीटर पर आवर। क्या हो रहा है ये, मैं कूद रहा हूँ, मैं तो पंछी बन गया। तेरे पे पैराशूट है? नहीं मेरे पे पैराशूट नहीं है, किस्मत अच्छी है नीचे पानी है, पानी में कूदते हल्का सा चुक गया। ये गाड़ी तो बिल्कुल हीरे की तरह चमक रही है। वंडर डार्लिंग, एक दिन मैं तुम्हें जरूर डायमंड गिफ्ट करूंगा। इन लड़कियों को बिना हर जगह बस हीरे ही दिखते हैं। बेटा लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते, बहुत बुरी मैनर्स होती है। न्यूक्लियर पेनीवाइज से देखो और कुछ सीखो। ठीक है सीख लेंगे। और वैसे वांडा तू ये गाड़ी चला पाएगी ना, बहुत ज्यादा डेंजरस है ये। अरे मेरी वांडा कुछ भी चला सकती है, क्या तुम्हें पता है कि ये नेक्सस बीन है? नेक्सस बीन नहीं, नेक्सस बीइंग। वैसे भी हो या ना हो उससे गाड़ी चलाने से क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन वांडा, यू कैन डू इट। ये गाड़ी किसी स्पेसशिप से कम नहीं लग रही। अब दुनिया भर का नाइट्रो लगा रखा है तो वैसे ही होगा। और इसका एग्जॉस्ट सिस्टम भी काफी यूनिक है गाइस, आप लोग देख सकते हो साइड में है और पीछे है। बहुत टाइम पास हो गया, लेट्स गो। फाइनली अपनी वांडा रैम के ऊपर आ गई है। ये स्पीड इतनी कम क्यों है इस गाड़ी की? ओफो माफ कर दो, मैं एक्सेलरेट करना भूल गई। ओके अच्छा, वो आपको बहुत जल्दी याद आ गया। और इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 1500 टच कर गई, क्या बात है। अब तक की हाईएस्ट थी 1428 किलोमीटर पर आवर। इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक और कंटेस्टेंट बचे है। और ये वांडा कहाँ पर आके टर्बो मार रही है? अरे भाई कितनी अच्छी गाड़ी बैलेंस करी। शुक्रिया विजन, हम इतनी भी खास नहीं हो।
अरे वाह, क्या बात है जेस्को। कैसी लगी ये गाड़ी? तुम कितने में बेचोगे? सेल के लिए नहीं है, मेरी फेवरेट्स में से है, मैं इसको नहीं बेचने वाला। ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन मूड चेंज कर लोगे तो मेरे को कॉल कर देना। वो कभी भी नहीं होने वाली, तू स्टार्ट करना। गैस वाला स्लो है। क्या बात है, इसका तो कलर चेंज हो रहा है। और नहीं तो क्या चॉप, इसके ऊपर मैंने स्पेशल पेंट करवा रखा है, ऐसे ही कलर चेंज होता रहता है इसका। अब तो ये गाड़ी मेरे को खरीदनी ही होगी। ओ हीरो, कोई दूसरी वाली गाड़ी ले लेना, ये मेरी है। ओके तो गाइस, देखते हैं अपनी गिरगिट कितनी स्पीड में जाती है। 1500 पे पार कर दिया। इतनी ज्यादा स्पीड थी कि ये वापस पीछे आ गई। क्या बात है, इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 1642 किलोमीटर पर आवर। 1500 से भी ऊपर की स्पीड में चले गया। एक सेकंड रुको, ये मेरी गाड़ी में से आग क्यों निकल रही है? मुझे लगता है कि इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही हो गई। ये मेरी फेवरेट कार्स में से एक थी यार, पहिया उड़ गया, सब कुछ उड़ गया। चिंता मत करो, ये कंट्रोल पैनल अभी भी जिंदा है। कहते कहीं के मैं उसका क्या करूं?